ने ये सोचकर बेटे पर भरोसा किया कि बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन बेटे ने ले सब कुछ लिया और अब पिता को पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया है। ये कहानी है देश के लिए सबसे बड़े बिजनेसमैन रहे रेमंड घराने के मालिक विजयपत सिंघानिया की। कुछ साल पहले तक हजारों करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे विजयपत सिंघानिया, और आज उनके पास कुछ भी नहीं, अपने बेटे के हाथों मोहताज हो चुके हैं सिंघानिया। एक जमाना था जब देश में टाटा और बिरला के बाद तीसरा सबसे बड़ा ब्रांड कोई था तो वो था रेमंड। विजयपत सिंघानिया ने अपनी जिंदगी में एडवेंचर से बहुत प्यार किया। इसकी दो कहानियां हैं। पहली कहानी, एक जमाना था जब विजयपत सिंघानिया लंदन से अकेले प्लेन उड़ाकर भारत आ गए थे। दूसरी कहानी, 67 साल की उम्र में जब आदमी रिटायर होकर नाती पोतों के साथ खेलता है तब विजयपत सिंघानिया बलून उड़ा रहे थे। टीवी स्क्रीन पर आप जो उड़ता बलून देख रहे हैं उसके भीतर विजयपत सिंघानिया ही बैठे हैं। कहानियां तभी हैं जब विजयपत सिंघानिया कई हजार करोड़ के मालिक हुआ करते थे, ऐश्वर्य और विलास उनके कदम चूमते थे। ये तस्वीर आज के विजयपत सिंघानिया की है। मुंबई की सड़क पर झोला उठाकर पैदल चलते 78 साल के विजयपत सिंघानिया की। विजयपत सिंघानिया की कहानी ऐसी कि कलेजा मुंह को आ जाए। आजकल जो बुजुर्ग आदमी मुंबई की सड़क पर पैदल चलता फिरता दिख रहा है वो सिर्फ कुछ साल पहले तक 12,000 करोड़ का मालिक था। न धरती फटी न आसमान ने आग उगली, लेकिन 12,000 करोड़ का ये आदमी आज कंगाल हो चुका है। सिर्फ इसलिए क्योंकि विजयपत सिंघानिया नाम का ये बुजुर्ग पुत्र मोह में फंस गया। बेटे पर भरोसा करके सब कुछ उसके नाम कर देने का एडवेंचर विजयपत सिंघानिया को बहुत भारी पड़ गया है। विजयपत के बेटे गौतम सिंघानिया ने 2000 में रेमंड की कमान संभाली और उसी के बाद से विजयपत के दुर्दिन शुरू हो गए। विजयपत सिंघानिया ने जीते जी 2015 में बेटे गौतम सिंघानिया के नाम रेमंड में अपने 1,041 करोड़ के 37.17% शेयर कर दिए। आज गौतम सिंघानिया रेमंड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। पिता ने बेटे को दौलत दे दी लेकिन संस्कार नहीं दे पाए। आरोप है कि पिता की अकूत संपत्ति पाने के बाद बेटे गौतम सिंघानिया ने पिता को पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया। मुकेश अंबानी के एंटीलिया बिल्डिंग से भी ऊंचा है जेके हाउस। कभी इसी जेके हाउस में हुआ करता था अरबपति उद्योगपति विजय सिंघानिया का घर, लेकिन ये सब गुजरे दिनों की बात है। आज की बात यह है कि रेमंड ग्रुप के चेयरमैन एमिरेट्स विजयपत सिंघानिया मुंबई की ग्रैंड पराडी सोसाइटी में किराए के फ्लैट में रहते हैं। जिस कंपनी को उन्होंने बुलंदी तक पहुंचाया, उसने कार और ड्राइवर तक छीन लिया। कंपनी गुजारा करने के लिए फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है। विजयपत चाहते हैं कि उन्हें हर महीने 7 लाख रुपए गुजारे के लिए मिले। आरोप है कि बेटे की कंपनी बन चुकी रेमंड जेके हाउस के डुप्लेक्स में रहने के लिए पोजेशन नहीं दे रही है। जिस मुंबई शहर के वो 2005-06 तक शेरिफ रहे उसी मुंबई में पाई पाई के लिए मोहताज है। रेमंड ब्रांड की नींव 1925 में रखी गई थी। मुंबई में पहला स्टोर खुला, लेकिन 1980 में विजयपत ने कंपनी संभाली तो रेमंड को मॉडर्न लुक मिला। पार्क एवेन्यू कलर प्लस जैसे ब्रांड्स के साथ रेमंड आज घर घर की जरूरत बना हुआ है। जो विजयपत के साथ आज हो रहा है वही उनके भाई अजयपत सिंघानिया की मौत के बाद उनके परिवार के साथ हुआ। जेके हाउस में डुप्लेक्स घर के लिए विजयपत भी कोर्ट जा चुके हैं और अजयपत की पत्नी वीणा देवी, बेटे आनंद और अक्षयपत गौतम सिंघानिया के खिलाफ अब तीनों ने मिलकर लड़ाई छेड़ी है। तो आज अपनी ही औलाद से प्यार करने, अपनी औलाद पर भरोसा करने की कीमत चुका रहे हैं विजयपत सिंघानिया करोड़।